दिल्ली से सटे फरीदाबाद के धौज इलाके में देर रात अज्ञात लुटेरों ने एटीएम को धमाके से उड़ा दिया। एटीएम में रखे करीब 10 लाख रुपए भी लुटेरों ने उड़ा लिए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने एटीएम के बाहर क्षतिग्रस्त नोट पड़े देखे और एटीएम के परगच्छे देखे, जिसके बाद पता चला कि रात करीब 3 बजे बदमाशों ने इसे धमाके से उड़ा दिया और उसमें रखा कैश लूट कर फरार हो गए। बैंक कर्मचारी की माने तो एटीएम में कुल 19 लाख रुपए के करीब जमा किए गए थे, लेकिन धमाके के बाद जो कैश पुलिस को बरामद हुआ है वो फटे नोट मिलाकर कुल 8 लाख रुपए है। अपने जो ऊपर ऑफिसर है उनसे पता किया है, सूची से पता किया है, उस हिसाब से हमारा 19 लाख उसमें कैश बताया था जी, 19 समथिंग कुछ जी। उसके बाद जो हमें वहाँ पे रिकवर हुआ है कुछ फटे नोट और जो है वो रिकवर की हमें मिले हैं, जो खराब नोट मिले हैं जी, और जो उसमें से हमें 100, 200 और 500 के जो बताए गए थे उसमें से 200 के तो नोट हमें मिले नहीं है जी, 500 के और 100 के कुछ नोट मिले हैं उसमें वो जो। वहीं पुलिस ने फिलहाल नोटों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। 3:15 बजे के करीब एक कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन हमारे थाने पर प्राप्त हुआ कि गाँव धौज के बस स्टैंड पर ATM टूटा हुआ है, जिसको सूचना पाते ही मैं तुरंत टीम के वहाँ पर गया। वहाँ पर हमने देखा तो ATM तो मेन जो गेट था शीशे वाला वो टूटा हुआ था और अंदर से ATM भी टूटा हुआ था, उसमें से कुछ पैसे बाहर खिले हुए थे नीचे जो फटे हुए थे और शीशे वगैरह भी टूटे हुए थे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।